हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ राधा। तो मैं गाजर की खीर की रेसिपी लेके आई हूँ। तो इसके लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 kg गाजर। इसको अच्छे साफ पानी से धुल लेंगे, जिससे इन गाजरों से सारी गंदगी निकल जाएगी। अच्छे से धुलने के बाद इनको प्लेट में निकाल लेंगे धीरे धीरे करके। ये ऑरेंज वाली गाजर है, ये हमेशा अवेलेबल रहती है मार्केट में। जब भी आपका खीर खाने का मन हो, खरीद के लाएँ और फटाफट बना के खीर को तैयार कर लें। बात करते करते गाजर भी धुल गई और कद्दूकस करके प्लेट में रख लेंगे। अब यहाँ पे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स काट लेंगे। जो आपको खाने में पसंद हो, वो ड्राई फ्रूट्स काट के इस प्लेट में रख लें। मैं यहाँ पर बादाम पहले काट रही हूँ, फिर थोड़े से काजू काट लूँगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबा दें, जिससे सारी नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुँचे। इसी तरीके काजू काट लें जिस तरीके से आपने बादाम काटी थी। ड्राई फ्रूट्स सारे कट के तैयार हो चुके हैं। अब हम खीर तैयार करेंगे। इसके लिए एक पैन ले लें, इसमें डाल दें 2 बड़े चम्मच तक घी। फिर इसमें डाल दें बादाम, काजू, इसी के साथ मैं डाल दूँगी किशमिश। मैं इन ड्राई फ्रूट्स को एक ही साथ भून लूँगी। बार बार भूनने का झंझट नहीं रहेगा, क्योंकि खीर में ज़्यादा ड्राई फ्रूट भूनने की जरूरत नहीं होती है। बस थोड़े से रेड हो जाए और फिर इनको प्लेट में निकाल लें धीरे से। कलछी के हल्के आराम से इसको प्लेट में निकाल के रख लें। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ड्राई फ्रूट ना ज़्यादा जले हैं ना ज़्यादा रेड हुए। बस थोड़े से रेड होने से इनको निकाल लें। अब इसी घी में डाल दूँगी मैं कद्दूकस की हुई गाजर। गैस का फ्लेम मीडियम करते हुए बराबर चलाते रहें इसको 3 से 4 मिनट के लिए। 3 से 4 मिनट के बाद ही हम इसमें दूध मिलाएंगे। जब तक हम इसको बराबर चलाते रहेंगे, जिससे ये नीचे लगे नहीं और इसका टेस्ट ख़राब ना हो। अब हम इसमें दूध मिला देंगे 1/2 लीटर तक। दूध डालने के बाद हम गैस का फ्लेम थोड़ा सा हाई कर लेंगे और इसको बराबर चलाते रहेंगे 2 से 3 मिनट और। इस तरीके से आप गाजर को पकाएंगे तो गाजर का कलर भी नहीं जाएगा और टेस्ट भी अच्छा रहेगा। अब हम मिला देंगे चीनी इसमें। चीनी टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा करके डाल सकते हैं। इसमें 2 इलायची डाल लें। इसको चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लें। गाजर का हलवा बहुत ही जल्दी बनके तैयार होता है। बस थोड़ा सा कद्दूकस करने का झंझट है, नहीं तो गाजर पकने में बिल्कुल समय नहीं लगता। इसको ढक देंगे 5 मिनट के लिए और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर दें। 5 मिनट हो जाने के बाद इसको चला दें। देखिए यहाँ पर गाजर का कलर भी नहीं गया और खीर भी बनके तैयार हो गई। खीर में चीनी बहुत कम डाली। अगर आप लोग चाहें तो और चीनी का यूज कर सकते हैं। अब इसमें ड्राई फ्रूट डाल दें। ड्राई फ्रूट को गाजर के साथ मिक्स कर दें। गैस का फ्लेम बंद कर दें और इसको निकाल लें बाउल में। इस खीर को आप व्रत में भी खा सकते हैं और कभी भी आप ऐसे भी बना के खा सकते हैं, क्योंकि गाजर हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। बच्चे जब गाजर खाना पसंद ना करें तो ऐसे खीर को बना के तैयार कर दें, फटाफट खा लेंगे। चलिए आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई करें। पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।